What's up दोस्तों, I'm Siddhant and you are watching Siddhant India. Welcome back to my new video. In this video, I'm gonna tell you कि मेरी जो जर्नी थी इंडिया से लेके आयरलैंड तक की, वो कैसी थी, मैंने क्या क्या प्रोसेस करा, कैसे कैसे कहाँ कहाँ अप्लाई करा और कैसे मैं यहाँ पे आया, मैंने कैसे कॉलेज चूज करा, सब कुछ मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ. और जो मेरा चैनल होगा, ये चैनल आपको बताएगा आयरलैंड के बारे में, आयरलैंड में कैसे आया जाए, आयरलैंड में सब कुछ कैसा होता है. और अगर जो लोग इंडिया से आयरलैंड आने वाले हैं, उनके लिए ये चैनल बहुत ही फायदे का होने वाला है. तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो. तो चलिए शुरू करते हैं. सो वेलकम टू सिद्धांत इंडिया व्लॉग्स 2.0. मैं आप लोगों को पहले थोड़ी अपनी हिस्ट्री बता देता हूँ. स्कूलिंग पे नहीं जाते हैं क्योंकि स्कूल्स मेरे बहुत थे, तो वो बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी. कॉलेज से स्टार्ट करता हूँ मैं. मेरा कॉलेज था बीके बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, पिलानी में, राजस्थान. वहाँ पे मेरा एक स्कूल भी था, बिरला पब्लिक स्कूल. बट एनीवेज, मैं बीके बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी से अपनी बैचलर्स इन कंप्यूटर साइंस करी. फर्स्ट सेकेंड ईयर में नॉर्मली होता है जैसे लोग करते हैं, मैंने नॉर्मली सब फील्ड्स में ट्राई करा, वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट, कोडिंग, C++, जो भी नॉर्मल चीज़ें होती है वो सब पे करा, सब चीज़ों का बेसिक सीखा, फिर इंटरेस्ट चेक करा अपना. फिर थर्ड ईयर में मैंने ट्रेनिंग करी 9 months की साइबर सिक्योरिटी में एंड नेटवर्किंग में. फिर उससे मेरे को थोड़ा पता चला कि मेरा इंटरेस्ट साइबर सिक्योरिटी में है. फिर मैंने साइबर सिक्योरिटी में थोड़ी और इंटर्नशिप्स करी, ट्रेनिंग्स करी. फिर मैंने अपना थर्ड फोर्थ ईयर दोनों साल इंटर्नशिप्स एंड ट्रेनिंग्स ही करी साइबर सिक्योरिटी में. फिर उसके बाद मेरा मास्टर्स का कोई प्लान नहीं था, जॉब का ही था. बट इंडिया में मैंने कई जगह अप्लाई करा, मेरी जॉब लगी भी थी बेंगलोर में, जयपुर में. बट बेंगलोर में साइबर सिक्योरिटी की थी. बट इंडिया में मेरे को ऐसा लगा थोड़ा कि अभी साइबर सिक्योरिटी का इतना नहीं आया है पेस. और आई माइट बी रॉन्ग, बट मेरे को ऐसा लगा. फिर मैंने सर्च करा मास्टर्स का, मेरा एकदम से ही प्लान बना. एंड फिर मैंने सर्च करा कि जो आयरलैंड जगह है, यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी का बहुत स्कोप है. आयरलैंड में साइबर सिक्योरिटी का स्कोप है, ये मेरे को ऐसे पता चला. मैंने एक तो साइबर सिक्योरिटी ब्रीचेज और ये सब चेक करे थे, उसमें लिस्ट में था आयरलैंड का नाम काफ़ी. तो अगर आपके ब्रीच होंगे तो साइबर सिक्योरिटी की टीम आपके पास ऑब्वियस होगी, ज़्यादा आपको चाहिए होगी इन फ्यूचर. और दूसरी चीज़ ये थी कि जो यूरोप में जितने भी हेड ऑफिस है कंपनीज के, लाइक गूगल, फेसबुक, ये सब के जितने भी यूरोप के हेड ऑफिस है, वो सारे आयरलैंड में है बिकॉज ऑफ टैक्स, आई थिंक. क्योंकि यहाँ पे टैक्स कहते हैं कम लगता है कंपनीज का, आई माइट बी रॉन्ग बट ऐसा कहते हैं. तो इसलिए हेड ऑफिस सारे यहीं पे है यूरोप के जितने. एक ऑप्शन था US, बट US में बहुत ऑलरेडी बहुत स्टूडेंट्स है. एंड अब US में एक तरीका बहुत हौच पौच हो चुका है, बहुत लोग हो चुके हैं. एंड इसलिए मैंने US नहीं चूज़ करा, मैंने वहाँ पर बिल्कुल ध्यान भी नहीं दिया. इसलिए मैंने आयरलैंड चूज़ करा. यहाँ पे भी बहुत लोग आ चुके हैं ऑलरेडी, बट हाँ यहाँ पे है. अगर आपके अंदर, खुद के अंदर आपको लगता है कि हाँ हमें नॉलेज है, हम कर सकते हैं, तो आपको कहीं भी जॉब मिल जाएगी, कहीं भी. अगर आपको खुद पे ही भरोसा नहीं है तो मुश्किल है थोड़ा. बट हाँ होता है, अगर अब कुछ लोगों को नहीं लगती, कुछ की लग जाती है. अभी मैं तो मास्टर्स ही कर रहा हूँ, मेरी मास्टर्स अभी चल रही है, थर्ड सेमेस्टर स्टार्ट होगा अभी मेरा. एंड ये इस सेमेस्टर में इंटर्नशिप होती है और मेरी इंटर्नशिप भी लग गई. बट हाँ यहाँ पे भी इतना आसान नहीं है, ऐसा नहीं है कि आपको आते ही जॉब मिल जाएगी. आपको बहुत जॉब्स है, बहुत ज़्यादा है, आपको आते मिल जाएगी. बट आपको थोड़ा करना पड़ेगा स्ट्रगल, बट है अपॉर्चुनिटीज़ जहाँ तक मुझे लगता है. और यहाँ पे कंपनीज भी काफ़ी अच्छी अच्छी हैं, तो मैंने इसलिए आयरलैंड चूज़ करा. एंड आयरलैंड में भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ थी, लाइक UCD थी. साइबर सिक्योरिटी की इतनी नहीं है, वैसे है बहुत सारी. ट्रिनिटी यहाँ पे बहुत अच्छी है, बट उसमें साइबर सिक्योरिटी था नहीं, दैट्स वाई मैंने चूज़ नहीं करा वो. एंड मेरे को साइबर सिक्योरिटी में जाना था. एंड साइबर सिक्योरिटी में एक UCD थी, बट वो फॉरेंसिक्स पार्ट में था, उनका कोर्स मैंने चेक करा था. और फॉरेंसिक्स पार्ट में मेरे को इतना इंटरेस्ट नहीं था क्योंकि मेरे पास पहले का एक्सपीरियंस नहीं है. मेरा पहला एक्सपीरियंस SOC एनालिस्ट एंड वल्नरेबिलिटी असेसमेंट में था साइबर सिक्योरिटी में. तो फिर मैंने NCI का कोर्स चेक करा. NCI का कोर्स मेरे को कंपैरेटिवली सब यूनिवर्सिटीज़ जो है जिनमें साइबर सिक्योरिटी है उन सबसे अच्छा लगा. दैट्स व्हाई आई चोज नेशनल कॉलेज ऑफ आयरलैंड. एंड यहाँ पे फोकस होता है ज़्यादातर, लाइक वल्नरेबिलिटी असेसमेंट हमारा सब्जेक्ट था एंड हमारे नेटवर्क सिक्योरिटी था एंड हमारे सिक्योरिटी फंडामेंटल्स था, जो तो बेसिक था थोड़ा. उसमें हमारे सिक्योर प्रोग्रामिंग और वेब एप्लीकेशन था, लाइक उसमें वेब एप्लीकेशन आपको बनानी है, उसको सिक्योर करना है, ऑल दैट मैलवेयर एनालिसिस, एंड लास्ट में आपको पता चला कि थीसिस रिसर्च होती है.
किस टाइप का मॉड्यूल है, आप मॉड्यूल चेक कर सकते हैं। उस पर मैं एक अलग से भी वीडियो बनाऊंगा कि NCMS साइबर सिक्योरिटी मॉड्यूल, क्लाउड मॉड्यूल एंड डेटा एनालिटिक्स मॉड्यूल, तो ये सब मैं सीरीज़ अलग से बनाऊंगा। बट इसमें मैं आपको खाली यही बताऊंगा कि मेरी जर्नी कैसी रही इंडिया से आयरलैंड की। फिर मैंने नेशनल कॉलेज ऑफ आयरलैंड चूज़ करा, एंड आफ्टर चूजिंग मैंने खाली एक ही यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर, एक ही कॉलेज में अप्लाई करा था जो नेशनल कॉलेज ऑफ आयरलैंड है। इन दिसंबर मैंने अप्लाई करा था 2018, एंड 2019 में जनवरी में मेरे को आई थिंक या फिर दिसंबर एंड में ही रिप्लाई आ गया था दैट यू आर सेलेक्टेड एंड ये लोग आपको स्कॉलरशिप देते हैं, वो होती है 50% ऑन योर दैट यू हैव मार्क्स इन योर ग्रेजुएशन और नॉट, एंड 50% आपके डिपेंड करती है दैट यू हैव वर्क एक्सपीरियंस और नॉट। तो मेरे पास वर्क एक्सपीरियंस तो नहीं था जॉब का क्योंकि आई एम अ फ्रेशर, बट मैंने इंटर्नशिप्स और ट्रेनिंग्स करी थी 2 ईयर्स, तो वो मेरा काउंट हुआ था, दैट्स वाई मेरे को वो भी स्कॉलरशिप मिली। एंड आफ्टर दैट यहाँ पे अप्लाई करने के बाद दे आस्क फॉर द आइल्स एग्ज़ाम एंड माई डिग्री, तो मेरे को डिग्री मिली नहीं थी क्योंकि मैं 8th semester में था, सो आफ्टर फिनिशिंग माई ग्रेजुएशन मैंने अपनी डिग्री इनको सेंड करी, देन मैंने आइल्स दिया। आइल्स में यहाँ पे 6 बैंड से ऊपर आपको चाहिए होता है, टोटल 9 बैंड का एग्ज़ाम होता है आइल्स का, तो 6 बैंड से ऊपर आपको चाहिए होता है टोटल यहाँ पे आने के लिए। फिर आइल्स दिया मैंने एंड फिर उसके बाद मेरा वीज़ा प्रोसेस स्टार्ट हुआ। एंड यहाँ का वीज़ा मिलना कहते हैं लोग मुश्किल है, बट आई थिंक स्टूडेंट वीज़ा इतना मुश्किल नहीं है। तो आप स्टूडेंट वीज़ा के लिए फिर आपको अप्लाई करना होता है, ये ऑल बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, आई थिंक अदर कंट्रीज़ के कंपैरेटिवली यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स बहुत ज़्यादा मांगते हैं, क्योंकि मेरे कुछ दोस्त और भी कंट्रीज़ में जा रहे थे, उनसे इतने डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगे। तो यहाँ के लिए आपको बहुत डॉक्यूमेंट्स लेने होते हैं, इकट्ठे करने होते हैं, एंड फिर आपको बहुत सही से फाइल बना के अपनी प्रेजेंट करनी होती है वीज़ा ऑफिस को, एंड फिर आपको यहाँ का वीज़ा मिल जाता है। अराउंड यहाँ पे थोड़ा रिजल्ट भी लेट देते हैं वीज़ा का, अराउंड अगर आप सितंबर में आते हो तो आपको 1 month के अराउंड लग जाता है वीज़ा का रिजल्ट आने में, और क्योंकि तब बिजी होता है थोड़ा, वैसे आपको 15-20 days कहते हैं लगते हैं वीज़ा का अपडेट आने में। तो ये वीडियो थोड़ी लंबी हो गई थी, तो आई थिंक इसके 2 पार्ट मैं बनाऊंगा, फर्स्ट पार्ट को मैं यहाँ पे ख़त्म करते हैं। होप यू गाइज लाइक द वीडियो, इफ़ यू डू डोंट फॉरगेट टू गिव दिस वीडियो अ बिग थम्स अप एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आप मेरे कोई भी लेटेस्ट अपडेट मिस ना करें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।